दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पठानी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हाल ही में उनकी फिल्म मलंग रिलीज हुई है, जो दर्शकों को अच्छी खासी पसंद भी आ रही है। दिशा पठानी की खूबसूरती के किस्से तो अब चारों तरफ फैलने लगे हैं। भले ही दिशा पठानी को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उन्हें आज तक किसी भी लड़के ने प्रपोज नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, अपने दिए एक इंटरव्यू में दिशा पठानी ने खुद इस बात का खुलासा किया है। दिशा पठानी अपनी फिल्म मलंग के प्रमोशन के दौरान एक प्रोफेशनल इवेंट में पहुंची हुई थी। यहाँ उनसे कुछ सवाल और जवाब चल रहे थे। इसी दौरान उनसे किसी ने जब यह सवाल किया, अब तक अपनी जिंदगी में कितने प्रपोजल मिले हैं और कितनों ने उनका दिल तोड़ दिया है। इसके जवाब में दिशा पठानी ने कहा कि किसी ने आज तक उन्हें प्रपोज नहीं किया है। स्कूल में एक टाइम बॉय के तौर पर जानी जाती थी। दोस्तों, अपनी लव लाइफ के बारे में दिशा पठानी ने इस दौरान बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पिता पुलिस में थे, किसी ने भी कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं और इसी वजह से किसी ने मुझे प्रपोज भी नहीं किया। कॉलेज में भी आई तो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा था, किसी ने भी मुझे यहां भी प्रपोज नहीं किया। इसके बाद मैं बॉलीवुड में आ गई और यहां तो किसी भी पार्टी में मेरा आना जाना नहीं होता है। मैं ज्यादातर किसी से मिलती जुलती भी नहीं हूं और मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी हुई है। हालांकि टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पठानी को कई बार लंच करते हुए और घूमते हुए भी देखा गया था, और ऐसे में ये भी खबरें आ रही थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। फिर भी इन दोनों ने कभी भी अपनी ओर से इस रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं की। दोस्तों, दूसरी ओर टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ ने भी एक बार अपने भाई के रिश्ते को लेकर सफाई दी थी। उन्हें ये कहते हुए सुना गया था कि उनके भाई टाइगर श्रॉफ किसी के साथ भी डेट पर नहीं जा रहे हैं, और एक चैट शो के दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि सभी मुझे जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ किसी भी बात को सीधे तौर पर रखना मेरी पहचान है। मैं साफ तौर पर कहती हूँ कि मेरे भाई टाइगर श्रॉफ अभी भी 100% सिंगल है। अपनी लव लाइफ के बारे में दिशा पठानी ने पहले भी बात की थी। उन्होंने एक वेबसाइट के साथ इंटरव्यू में प्यार को लेकर बताया थी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रेरणा मिलती है, जो अपने जीवन में हम करते हैं वह या तो प्यार के लिए हम करते हैं या फिर किसी चीज को पाने की वजह से करते हैं। दरअसल प्यार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है प्यार के बारे में, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।